डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अमित सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको प्लस वन के इलेक्टिव हिंदी की प्राचीन काव्य की दूसरी कविता राम राज्य वर्णन करवाई थी, जिसके हमने दो भाग किए हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आज हम उसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के राज्य संभालते ही सब लोग वहाँ पर खुश खुश रहने लगे, सब लोग खुशहाल हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी अपनी अपने तंदुरुस्त सेहत से रहने लगे, पशु पक्षी जानवर बिना किसी डर के जंगलों में घूमने लगे, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। आगे हम इसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। कूजे खग मृग नाना वृंदा, अभय चरे बन करी आनंदा। कूजे खग जो पक्षी थे वो आसमान में चहचहाने लगे, मृग नाना वृंदा जो मृग यानी कि हिरण को बोला गया है वो भी कई प्रकार से चरने लगे। अभय चरे वन करी आनंदा, सभी लोग अभय जाने की बिना किसी डर के चारा चरने लगे। वन करिए आनंदा यानी कि वन यानी कि जंगल को बोला गया है, आनंदा यानी कि खुशी से वो जंगल में चरते हुए रहने लगे बिना किसी डर के। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, शीतल हवा सुरभि हवा को बोला गया है, शीतल हवा धीरे धीरे करके बहने लगी। गूंजत अली अली फूलों की कली को बोला गया है, गूंजत अली लै चली मकरंदा, अली भवरे को भी बोला गया है, मकरंदा यानी कि शहद जो भवरा तो जो थे वो भी गुंजार करते करते फूलों में से ये शहद लेने लगी। लता विटप मांगे मधु चवही, लताएं पेड़ों पर लटकी हुई जो लताएं थी उनमें से मधु यानी कि शहद अपने आप निकलने लगा। मन भाव तो धेनु पै सवही, मन भावन जो धेनु थी गायें वो मन भावन प्रकार के पाए जाने की दूध देने लगी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, शशि यानी कि नदी को बोला है, नदियाँ भी हर प्रकार से संपन्न यानी कि ही खुश रहने बहने लगी। हता मैं कृत युग क्या करनी, सभी लोग सतयुग में खुशी खुशी रहने लगे। प्रगटो गिरिने विविध मनीखानी, राम श्री राम के राज्य में सभी मनुष्य भोले थे, जगदात्मा भूप जग जानी, और वहाँ के राजा सभी लोगों को अच्छी तरह जानते थे। सरिता सकल बह भर मारी, जो नदियाँ थी वो कलक गहते बह रही थी। शीतल अमल स्वाद सुखकारी, जिनका यानी कि जल बहुत ही स्वादिष्ट और सुख देने वाला था। सागर निज मर्यादा रही, डारे रतन तटन नर लही। सागर यानी समुद्र को कहा गया है निज मर्यादा, अपनी ही मर्यादा में अपने अंदर ही रहने लगा, यानी कि अपनी मर्यादा के अंदर ही रहने लगा। डारे रतन तटन नर लही, उनके अंदर समुद्र के अंदर जितने भी रतन थे वो लोगों को देने लगा। सरसज सकल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सरसज कमल के फूल को कहा जाता है। सरसज संकुल सकल तड़ागा, तालाब में विभिन्न प्रकार के कमल निकलने यानी कि उत्पन्न होने लगे। अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, ये देखकर दसों दिशाएं बहुत ही प्रसन्न होने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के राज्य में सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ रहने लगे। विदुमह पूर मयूखन रवि, तप जेतन काज मांगे बारी देहे जल, रामचंद्र के राज। विदुमह पूर मयूखन, सभी के मुख पर नाना प्रकार के तेज आने लगे। रवि तप जेतन काज, सूर्य जो था वो अपना तप देने लगा, ताप देने लगा, अपनी जो थी रोशनी देने लगा। मांगे बारी देहे जल, लोग अगर बादलों से जल मांगते तो वो जल देने लगे। रामचंद्र के राज
श्री रामचंद्र के राज्य में जो व्यक्ति जो मांगता उसे वही मिलने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य संभालते ही सभी लोग खुशहाल हो गए। स्त्री पुरुष सभी एक दूसरे का आदर करने लगे। बच्चे बूढ़े सभी स्वस्थ हो गए। कहीं पर भी कोई बीमारी दरिद्रता कुछ नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको इसी कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको भेज रही हूँ, लिखे हैं, वो भी आपने अपने नोटबुक पर लिखने हैं। इस कविता का सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत कविता का प्रसंग लिखें। प्रसंग बच्चों, आपको जब भी आपने किसी कविता का प्रसंग लिखना होता है तो उसमें हमने लिखना होता है कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की प्राचीन काव्य की कविता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये प्राचीन काव्य है, प्राचीन काव्य की कविता राम राज्य वर्णन में से ली गई हैं, और जिसे किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और साथ में इसके लास्ट में बता देना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि तुलसीदास जी ने श्री राम के राज्य का वर्णन किस प्रकार किया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने राम के राज्य का वर्णन किस प्रकार किया है, जिसका आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने कविता में मनुष्य और पशु पक्षियों का राम राज्य में कैसे वर्णन किया है, ये मैंने आपको छठे या सातवें सलात में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का पानी कैसा होता है। और लास्ट में, सागर श्री राम राज्य में अपनी मर्यादा में कैसे रहते हैं, ये आपको अंतिम सलात में इसका आंसर मिलेगा। आगे हैं, आपने इसके रिक्त स्थान भरने हैं। जगदात्मा डैश जग जानी, ये पहली ब्लैंक्स है। दूसरी ब्लैंक है, अति प्रसन्न दस डैश विभागा। लास्ट में कोई पांच कठिन शब्द लिखने हैं, आपने वो कठिन शब्द लिखने हैं जो मैंने साथ में आपको इस सलात में समझाए हैं या बताए हैं। स्टूडेंट्स, आपको जितना भी काम दिया जाता है वो आपने अपनी कॉपियों पर लिखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है, और साथ साथ में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स।